गाइस, मैं राजू राखले और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड्स से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेगमेंट ऑडियंस हम किस अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं सेगमेंट ऑडियंस होते क्या है। जैसे अगर आपने मेरी फेसबुक एड्स की वीडियोज़ नहीं देखी है, मैंने वहाँ पर ऑडियंस का सेगमेंट बना रखा है, तो सेम उसी तरीके से ऑडियंस सेगमेंट होता है गूगल एड्स में। ओके, गूगल एड्स में क्या होता है कि ऑडियंस सेगमेंट जो चीज़ है उसमें हम जैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं ना, हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं, वेबसाइट या फिर कह सकते हैं इवेंट, कस्टमर लिस्ट, लीड्स एंड वेबसाइट ट्रैफिक। तो इस अकॉर्डिंग हम जो अगर ऑडियंस हमें क्रिएट करना है गूगल एड्स में इस टाइप्स के, तो हम वहाँ पे सेगमेंट ऑडियंस में जाते हैं एंड वहाँ से क्रिएट करते हैं। ओके, इसके अलावा भी मैंने और वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कस्टम ऑडियंस से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो गूगल एड्स में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। सो यहाँ पर हम करते हैं टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक, एंड यहाँ से हमें जाना है शेयर्ड लाइब्रेरी एंड ऑडियंस मैनेजर। जैसे ही आप ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो योर डाटा सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स एंड कंबाइंड सेगमेंट। तो यहाँ पे मैंने कंबाइंड सेगमेंट्स एंड कस्टम सेगमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डाटा सेगमेंट ऑडियंस की, डाटा सेगमेंट ऑडियंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको ड्रॉप डाउन में कुछ यहाँ पे ऑडियंस दिख रही है जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी डाटा सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑडियंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पे मुझे कुछ सोर्सेस मिल जाते हैं, वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टम लीड्स, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, लीड फॉर्म सेगमेंट्स के थ्रू एंड कस्टम कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इस टाइप्स के अकॉर्डिंग या इस टाइप्स के ऑडियंस अगर हमें क्रिएट करने हैं तो हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, यहां पे मैं एक एक करके सारी वीडियोस लाऊंगा कि ऐप यूजर्स के लिए हम कैसे ऑडियंस बना सकते हैं एंड यूट्यूब यूजर्स के लिए एंड कस्टम लिस्ट एंड गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, उसके लिए एक सेपरेटली वीडियोस मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डाटा सेगमेंट में विजिटर, वेबसाइट विजिटर है, इससे रिलेटेड ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे सेगमेंट नेम पूछेगा कि आप अपने ऑडियंस का नेम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम जैसे वेबसाइट विजिटर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट विजिटर, बिकॉज ताकि मुझे याद रहे कि ये जो मैंने ऑडियंस बना रखा है ये वेबसाइट विजिटर से रिलेटेड बना रखा है। एंड यहाँ पे अब ये पूछ रहा है सेगमेंट मेंबर्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो सेगमेंट मेंबर्स में ये पूछ रहा है कि आपके विजिटर ऑफ वेब पेज, जिन्होंने वेब पेज पे विजिट किया है वो हो सकते हैं, या विजिटर ऑफ पेज विथ स्पेसिफिक टैग्स, या फिर आपने किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई टैग लगा रखा है वो ऑडियंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो आपके जो भी ऑडियंस है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि विजिटर ऑफ वेब पेजेस मैं रख रहा हूँ। एंड इसके नीचे अगर हम बात करें तो एक्शंस की बात आती है कि एक्शन हमें लेना है अब यहाँ पे। तो एक्शंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि वेब पेज विजिट, ठीक है, कि हमारे वेब पेज को जिन्होंने विजिट किया है, ठीक है, तो वो कितने दिन के होने चाहिए, रिटेंशन क्या रखना है मुझे, रिटेंशन सेक्शंस जो हमने फेसबुक में भी देखा है कि एक रिटेंशन का ऑप्शन आता है कि हम 30 डेज, 180 डेज, 365 डेज, मतलब 1 ईयर तक का ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस टाइप्स का ऑडियंस वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे 30 डेज रिटेंशन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, या फिर अगर आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से या लॉन्ग पीरियड से आप अगर ऐड रन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए 90 डेज के भी डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, बट अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपके लिए 30 डेज का डाटा इनफ है, इससे अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलता है यूजर्स को। तो यहाँ पे मैं 30 डेज का रिटेंशन ले रहा हूँ। इसे आप रिफाइन एक्शंस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप रिफाइन भी इसे कर सकते हो, पेज यूआरएल के थ्रू, कि आपका कोई पेज यूआरएल है, आप सिर्फ उसे टारगेट करना चाहते हो कि उसी पेज पे जिन लोगों ने विजिट किया है वह उन्हें ही आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है, या उन्हें टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं पेज यूआरएल एंड यहाँ पे आता है रेफरल यूआरएल। अगर आपके पास कोई रेफरल यूआरएल है तो ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, या पेज यूआरएल है तो वो भी ऐड ऑन। तो मैं यहाँ पे पेज यूआरएल ऐड ऑन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कंटेंट्स देखने को मिल रहा है। कंटेंट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कंटेंट्स रख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ,
एंड अगर इसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे लाइक डज नॉट कंटेन, डज नॉट इक्वल, डज नॉट स्टार्ट विद या डज नॉट एंड विद। ठीक है, तो इन सब से तो हमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे रखना है कंटेंट्स एंड यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे हमें रखनी है अपनी अपने पेज का जो पाथ है वो रखना है। लाइक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम कोई वेबसाइट ले लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक नाइका, नाइका की कोई नाइका वेबसाइट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, नाइक सॉरी, एंड यहाँ पे नाइक मैंने ओपन कर ली है एंड यहाँ पे देख सकते हो लाइक मैन कैटेगरी को हम रखते हैं। ठीक है, कि इस पेज पे जिन यूजर्स ने विजिट किया है ये मेरे ऑडियंस होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाइक का जैसे नाइकी है एंड इसे डॉट कॉम मैन कैटेगरी है डॉट इन मैन, तो मैं इसे करूँगा कॉपी एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे कंटेंट्स है या फिर अगर मैं चाहूँ इक्वल तो इक्वल भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसे पेस्ट करूँगा तो ये क्या होगा, ऑलरेडी जो मेरे पेज का यूआरएल होगा या फिर मैंने अपने लैंडिंग पेज में कोई वेबसाइट रखी है, ठीक है, तो उसे भी मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। या फिर लैंडिंग पेज अगर मैंने रखा है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे ये मेंशन करना है। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा कि इस पूरे को कॉपी करूँगा यहाँ पे एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, तो इस तरीके से भी ये रन करेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं इक्वल्स की बात करूँ, इक्वल क्या होता है कि लाइक पेज यूआरएल आपका होगा इक्वल टू दैट लास्ट में जो हमारा आ रहा है, ठीक है, इन मैन, तो इसे तो ये हम रख सकते हैं इक्वल्स में सेक्शन में। और अगर यहाँ पे मुझे पेज यूआरएल देना है कंटेंट्स में तो कंटेंट्स के लिए मैं ये रखूँगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो अपने किसी स्पेसिफिक पेज यूआरएल को। एंड अगर नीचे बात करें तो ये मैंने, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा, अगर आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है ऐड एक्शन और एंड, ऐड एक्शन एंड क्या होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐड एक्शन और की, इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐड एक्शन और में हम अपने ऑडियंस साइज को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रॉड कर सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्विच टू एंड, अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम एंड एक्शन एंड सॉरी एड एक्शन एंड एंड स्विच टू और, अगर और वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा है, एंड अगर सेक्शन ले रहे हैं हम तो नैरो करेंगे एंड और सेक्शन ले रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे। तो आप देख लेना आपको क्या करना है, आपको अगर ऑडियंस एक्सपेंड करना है तो और सेक्शन को ही सिलेक्ट करना, बट अगर आपको ऑडियंस नैरो करना है तो यहाँ पे एंड सेक्शन को जरूर सिलेक्ट करना। एंड नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक एक्शन मिलता है ऐड एक्शन, जहाँ पे हम अपने ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इस टाइप्स के ऑडियंस को मुझे ऐड नहीं शो करना। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ऐड एक्शन पे तो सेम चीज़ें जो ऊपर रिफाइन हो रहा था वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है कि 30 डेज का रिटेंशन रखना है एंड चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक यहाँ पे भी हम रख लेते हैं वेबसाइट पेज विजिट एंड यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि लाइक जिन्होंने 10 डेज में अगर विजिट किया है तो मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो एंड यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो कि इस पेज पे वाले यूजर्स को मुझे नहीं दिखाना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है एंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एंड एक्शन और, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आल्सो एक्सक्लूड कर सकते हो आप पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, जिन्होंने एक्शंस ले रखा है उसे, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर नीचे बात करें तो प्रीफिल ऑप्शंस आते हैं 30 डेज के, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस और मिलते हैं, प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद विद इन द पास्ट 30 डेज, जो भी मैच हो रहा है आपके सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग 30 डेज में आप उन्हें दिखाना चाहते हो, प्रीफिल करना चाहते हो, या स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सेगमेंट, कि खाली सेगमेंट के साथ आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपको चूज रखना है प्रीफिल सेगमेंट काफ़ी बेटर है, बिकॉज इसमें आप 30 डेज का रिटेंशन भी मैच कर रहे हो। देन अगर वहीं पे हम बात करें डिस्क्रिप्शंस की, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने ऑडियंस के लिए, ऐसे ये विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लिए। ओके, देन यहाँ पे आपको सिंपली करना है क्रिएट सेगमेंट, जब आप क्रिएट सेगमेंट करोगे तो यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे वैल्यू मैंने ऐड ऑन नहीं कर रखा, तो मैं वैल्यू ऐड ऑन कर देता हूँ कि लाइक मैं वुमेंस वाले कैटेगरीज को अपने ऐड नहीं दिखाना चाहता इसी पेज में, और कॉपी एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इस कैटेगरी को मैं यहाँ पे
एड नहीं दिखाना चाहता, क्रिएट सेगमेंट। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा सेगमेंट अब बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, वेबसाइट विजिटर। तो ये देख सकते हो ये मेरा सेगमेंट क्रिएट हो चुका है एंड पॉपुलेटिंग हो रहा है। ये जैसे ही पॉपुलेटिंग खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ पे देख सकते हो 72 आवर्स लगते हैं। दिस इज अ नॉर्मली टेक्स अप टू 72 आवर्स, मतलब आप जो ऑडियंस बनाओगे यहाँ पे तो आपको 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा इस ऑडियंस के लिए, तभी जाके आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा सिर्फ इन्होंने नॉर्मली लिखा है, ये आपका बहुत जल्दी भी हो जाता है। बट मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे ऑडियंस बनाओ तो उससे पहले आपने एड रन किया होना चाहिए, तभी आप ये ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो एंड तभी आपके लिए ये ऑडियंस वैल्यूएबल हो सकती है। ओके, बाद में अगर आप इसे चाहो एडिट करना तो सिंपल सा यहाँ पे एडिट का बटन है, यहाँ से एडिट कर सकते हो आप इसके नेम को। एंड अगर इसके अंदर की चीज़ें को एडिट करना है तो यहाँ पे लेके जाओ कर्सर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट का बटन मिलता है आपको, एंड यहाँ से जाके आप सिंपली वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए वेबसाइट विजिटर का ऑडियंस बना सकते हो गूगल एड्स में एंड यूज़ कर सकते हो एंड रीमार्केटिंग कर सकते हो। आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेबसाइट विजिटर ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। एंड थैंक्स अगेन, एंड कोई भी क्वेश्चंस होता है एंड कोई भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन सेक्शंस। एंड सेकंड थिंग कि अगर किसी को सर्विस लेनी है तो सर्विस भी ले सकता है, नंबर्स आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है तो क्लासेस भी ले सकता है, एंड नंबर है डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ से जाके आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसी टाइम फॉलोअप लूँगा एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगा। एंड 1-to-1 सेशंस भी बुक कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है, या फिर आप बाद में क्लास लेना चाहते हो एंड देखना चाहते हो किस टाइप्स के यहाँ पे कोर्सेस हैं, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो एंड काफ़ी कम कॉस्ट पे आप ये चीज़ें बाय भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होती है, लाइक PDF फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एंड मेरी ऑलमोस्ट जो वीडियोज़ है YouTube पे वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है एंड कोई कोर्सेस सेल नहीं है यहाँ पे। एंड थैंक्स अगैन।